टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर चैप्टर क्लास थर्ड ईबीएस. द चैप्टर नेम पूनम्स डे आउट. द एक्सरसाइज ऑफ पूनम्स डे आउट. इन द एक्सरसाइज हियर इज एक्सरसाइज. इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन द सेकेंड क्वेश्चन, इन द थर्ड इज नॉट राइट, इन द फोर्थ. So please write down your notebook to all questions in the answer. The chapter Poonam's Day Out, class 3rd EBS. Okay? यहाँ पे आप लोगों को EBS का जो फर्स्ट चैप्टर है Poonam's Day Out, उसका क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आया हूँ. उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आए जो आप लोगों के लायक है, जो जिससे कुछ नॉलेज मिले, वह मैं आपके सामने लाया हूँ. आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर एक, पूनम्स लुक्ड अप. पूनम देखी ऊपर, ठीक है, पूनम ऊपर देखी. सी सॉ, उसने देखी मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री. ये पूनम ऊपर देखी तो पूनम देखा कि पेड़ पे बहुत ज्यादा या ढेर सारे जानवर थे, पशु पक्षी थे. तो विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री. तो ट्री में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से जानवर हैं, उसी को आपको स्पॉट करना है, बताना है. पूनम ऊपर देखी तो पेड़ पे कितने भी जानवर थे, कौन कौन से जानवर थे, उन्हीं जानवर को आपको बताना है. तो जब पूनम ऊपर देखी तो कौन कौन जानवर थे, पीजल था कबूतर, स्क्वेरल गिलहरी, क्रो कौवा, मंकी बटरफ्लाई इटीसी आदि. तो पेड़ पर ऊपर जब पूनम पेड़ के नीचे सोई थी तो ऊपर देखी, जब उसके गाल पे कुछ गिरा था तो ऊपर देखी तो बहुत सारे जानवर थे, पक्षियां थे, जैसे मंकी वगैरह सब पेड़ पे थे. तो वही सब जितने आपको दिख रहे हैं उसी को लिख देना है, ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन, विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड. फिर जब पूनम के गाल पे जब क्रो ने बीट कर दिया तो जब पाउंड पर अपने फेस को धोने गई तो उस पाउंड में कौन कौन से जानवर उसको दिखे, यह पूछ रहा है. विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पाउंड. पूनम ने तालाब के पास जाकर कौन कौन सा जानवर देखा. गोट देखा उसने, वहां पर गोट था. टॉर्टोइस कछुआ देखा. क्रेन बगुला जिसको बोलते हैं, सफेद पंख वाला होता है. फ्रॉग मेढक, बट बुफैलो भैंस आदि, ऐसे वहां पे दिखाई पूनम को दिए, ठीक है. क्वेश्चन थर्ड आपको नहीं करना है, ठीक है, या वन टू और थर्ड पे नहीं करना, उसको वहां पे लिखना नहीं है, फोर्थ में लिखना है. और फोर्थ में क्या है, यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल टू. आपको तमाम जानवरों को देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए. राइट विच ऑफ देम. अच्छा, आप जब उन जानवरों को देखते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है आप उसको बताइए, ठीक है. तो कैन फ्लाई, उड़ने वाले जानवरों को बताइए, उसमें आप पीजन और क्रो बता दीजिए. कैन वॉक, जो टहलते हैं, टहलने वाले बुफैलो है, ऑक्स. ऑक्स मीन्स बैल होता है, बुफैलो मीन्स भैंस. कैन मीन्स जिनके पास पंख होते हैं, ऐसे जानवरों को बताना है. पीजन जो आप ऊपर लिखे थे, क्रो जो आप ऊपर लिखे थे, यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों के पास पंख होता है. हैव अ फीट, जिसके पास पैर होते हैं. काऊ गाय के पास होते हैं, गोट बकरी के पास होते हैं. हैव अ टेल, जिसके पास एक पूंछ होती है. हैव और टेल, और लिखा हुआ है और टेल, जिसके पास एक पूंछ होती है. तो मंकी और काऊ, सिंपल. तो सिंपल सारे पूनम्स का जो चैप्टर मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था उसका एक्सप्लेनेशन बताया था, उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स बताए थे, उसके बाद मैंने आपको यह उसका एक्सरसाइज बता दिया. अब इसके बाद मैं अगले चैप्टर में जो इसकी बची हुई एक्सरसाइज है उसको बता दूंगा, ठीक है. तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइए. और मेरी सारी वीडियो आपको आरजू विंसेंटेट, एक भगवान सूर्य का बुक के ऊपर चित्र बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ AMT, इस तरह का लोगो मिलेगा देखने को, उसी पे जाइए. मतलब वो पहचान है, आप आरजू मिशन टेट लिखेंगे तो वहाँ पे वो लोगों दिखाई देगा.
तो वहाँ पे मेरी सारी वीडियो आपको मिलेगी, जो क्लास थर्ड में मैं इंग्लिश और US पढ़ाता हूँ, इन दोनों सब्जेक्ट का वीडियो आपको वहाँ पे पूरी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो हैव अ नाइस डे, आप लोग खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय।